आज हम लोग वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये क्या होता है, कॉन्जेनिटल एबनॉर्मलिटी होती है, मतलब कहीं ना कहीं ये बच्चों में बर्थ से देखने को मिलता है, मतलब बर्थ डिफेक्ट, मतलब बच्चों में हमें जन्म से ये देखने को मिलती है, उसको हम क्या बोलते हैं, कौन सी होती है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। मतलब ये किस तरह से होते हैं, जो भी वेंट्रिकल्स होते हैं, जो हार्ट में क्या होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 एट्रियम होते हैं, 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, कहीं ना कहीं कुछ इस तरह से क्या होते हैं आपके, ये रहता है आपका सेप्टम। तो ये क्या है आपका, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये वेंट्रिकल्स हैं, इनके बीच में क्या हो, एक एबनॉर्मल जो ओपनिंग हो जाती है, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। मतलब कहीं ना कहीं जो वेंट्रिकल्स के बीच में जो डिवाइडेड करने वाला जो एरिया है, जो सेप्टम है, उसमें क्या हो जाएगी, एक नॉर्मल ओपनिंग देखने को मिलेगी, उस कंडीशन को हम बोलते हैं क्या, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके टाइप्स। तो जो मेनली क्या होता है, जो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट मेनली टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट क्या है आपका, प्री मेम्ब्रेनियस वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। सेकेंड वन है आपका मस्कुलर वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। तो प्री मेम्ब्रेनियस वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट में क्या होगा कि जो भी मेम्ब्रेन है अपर एरिया, मतलब कहीं ना कहीं जो मिट्टल वाल्व के पास, जो क्या है आपके मिट्टल वाल्व होते हैं, तो मिट्टल वाल्व नियर द मिट्टल वाल्व एक हार्ट की जो सेप्टम है, कहीं वेंट्रिकल की जो सेप्टम है, ओपनिंग देखने को मिलेगी, कुछ इस टाइप से एक ओपनिंग देखने को मिलेगी, जिससे ब्लड फ्लो राइट टू लेफ्ट वेंट्रिकल में मूव करना स्टार्ट हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्री मेम्ब्रेनियस वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। मतलब मेम्ब्रेन के ऊपर, मतलब कहीं ना कहीं ये लेयर के सबसे, ये सेप्टम उसके ऊपरी पोर्शन में जो डिफेक्ट देखने को मिले, ओपनिंग देखने को मिले। नेक्स्ट होता है आपका मस्कुलर वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, मतलब कहीं ना कहीं लोअर पोर्शन में, या यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके लोअर वाले पोर्शन में, या यहाँ पे यहाँ मसल्स, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ मसल्स प्रेजेंट है, उस एरिया में एक ओपनिंग देखने को मिलती है, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, मस्कुलर वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। इस तरह ये मेनली टू टाइप्स के होता है, एक होता है मेम्ब्रेनियस वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, एक होता है आपका मस्कुलर वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। जो मेम्ब्रेनियस होता है वो अपर पोर्शन में होता है, और मस्कुलर जो होता है वो लोअर पोर्शन में होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉजेज, इसके क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं। तो इसका जगह अगर कॉजेज देखें या इटोलॉजिकल फैक्टर्स देखें, तो कहीं ना कहीं क्या ये क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटी, मतलब प्रॉपरली जो क्रोमोसोम है वो अच्छे से ट्रांसमिट नहीं जाए, क्रोमोसोम की वजह से क्या हो गया, ये प्रॉपरली उसकी बॉडी के अंदर क्या है, हार्ट के अंदर सेप्टम का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, जब देखने को मिल सकता है। या कहीं ना कहीं क्या होगा कि कहीं ना कहीं किसी बेबी के अंदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो बेबी में ग्रोथ हो रहा है, फीटस डेवलपमेंट है, उस टाइम पे क्या है, विद 7th वीक में क्या होता है, उसके अंदर प्रॉपरली डेवलप्ड नहीं हो पाता, उस वजह से हमें देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट वन हो सकता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर की जो डाइट है, उसमें कहीं ना कहीं प्रॉपर अच्छे से या गुड न्यूट्रिएंट्स डाइट नहीं इनटेक कर रहा है, उस कंडीशन में भी हमें ये देखने को मिल सकता है। या हार्ट के अंदर, बेबी के हार्ट के अंदर प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं हो रही, या इस लेयर के पास क्या है, जो सेप्टम के पास प्रॉपरली ब्लड की सप्लाई नहीं होती है, उस कंडीशन में भी ये हमें देखने को मिल सकता है। देन कहीं ना कहीं ये प्रॉपरली न्यूट्रिएंट सप्लाई नहीं हो रही है, उस कंडीशन में भी हमें देखने को मिल सकता है। या प्रॉपरली वहाँ पर टिश्यूज़ की फॉर्मेशन नहीं हो रही है, उस कंडीशन में भी हमें एक ओपनिंग देखने को मिल सकती है। कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर भी हो सकते हैं जिसकी वजह से हमें देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उसकी लाइफ स्ट्रेसफुल लाइफ हो, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं प्रॉपरली अपनी हेल्थ पर प्रॉपरली अच्छे से फोकस नहीं कर पा रही है, अच्छे से डाइट को मेंटेन नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से हमें ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। ये कुछ एटियोलॉजिकल फैक्टर हैं जिसकी वजह से हमें देखने को ये सारी कंडीशन देखिए वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, कि क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स या क्या क्या हमें लक्षण देखने को मिलेंगे जब पेशेंट वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट से सफ़र कर रहा है। तो उस टाइम पे क्या होगा कि जो पेशेंट को कहीं ना कहीं क्या होगा, प्रॉपरली ब्लड की सर्कुलेशन नहीं होगा बॉडी के अंदर, बॉडी कलर साइनोसिस देखेगा, मतलब ब्लूइश कलरेशन ऑफ स्किन देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट देखने को मिलेगा, बहुत रेस्टलेसनेस देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं क्या होगा वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होगा प्रॉपरली, कहीं ना कहीं स्वेलिंग टाइप का इस तरह का भी हमें देखने को मिल सकता है। या कहीं ना कहीं हम क्या होगा कि प्रॉपरली वहाँ की जो लेयर है वो कैसी हो जाएगी, इन्फेक्शन भी हमें देखने को मिल सकता है। ये कुछ साइन एंड सिम्टम्स प्रॉपर कहीं ना कहीं इसकी जो इवैल्यूएशन के बारे में डिस्कशन करेंगे कि डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या होता है, जिसकी हेल्प से हम पेशेंट की कंडीशन के बारे में इजीली क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं और उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या क्या करेंगे, तो फर्स्ट हम करेंगे हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, तो जो भी पेशेंट उसका फुली हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, जिसकी बेस पे हम क्या करते हैं उसको एक प्रॉपर वे से ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। देन हम करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन में उसका फुली फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं पेशेंट को इजीली प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे एक्सरे करेंगे, जिससे हम पता लगा सकते हैं क्या प्रॉब्लम है और उसको एक ट्रीटमेंट प्रोवाइड
कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या, ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, जिसमें हम देख सकते हैं कि हार्ट की जो फंक्शनिंग है वो प्रॉपरली हो रहा है या नहीं है, उसके पता लगा सकते हैं और उसको प्रॉपरली उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या, इकोकार्डियोग्राफ देखें, जिसमें हार्ट की प्रॉपर फंक्शनिंग को देखते हैं और उसको विजुलाइज कहते हैं और उसके हम प्रॉपर डिफेक्ट के बारे में पता लगा सकते हैं कि कहाँ पर ओपनिंग हो रखा है और उसको किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं, वो प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे मैनेजमेंट के बारे में, जिसमें मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ हम सर्जिकल मैनेजमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं मेडिकल मैनेजमेंट के, हमको कौन कौन से ड्रग देंगे जिससे पेशेंट की कंडीशन को ईजिली क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। तो फर्स्टली हम क्या देंगे, डिजॉक्सिन देंगे। डिजॉक्सिन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जो हार्ट का जो रिदम एबनॉर्मल हुआ है उसे हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मलाइज कर सकते हैं इस ड्रग की हेल्प से। नेक्स्ट हम देंगे क्या देंगे, इसमें एंटीबायोटिक्स देंगे, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, इन्फेक्शन को ईजिली ट्रीट कर सकते हैं और पेशेंट की कंडीशन को रिकवर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देंगे कि इसमें क्या देंगे, डायूरेटिक्स देंगे, जिससे हम क्या करते हैं, यूर बॉडी के अंदर जो भी फ्लूड है उसको ईजिली रिमूव कर सकते हैं, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फ्लूड है। तो ये कुछ ड्रग है जिसकी हेल्प से हम पेशेंट की कंडीशन को क्या कर सकते हैं, ईजिली ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट, हम देखेंगे क्या क्या करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट में, हम क्या करेंगे कि कहीं ना कहीं पेच रिप्लेस करेंगे, मतलब जो भी ओपनिंग है वहाँ पर क्या करेंगे, पेच लगाकर उसको क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे, जिससे कि क्या करते हैं हम इस कंडीशन को ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे बाईपास सर्जरी, क्या करेंगे बाईपास सर्जरी, जो ओपनिंग है इसमें किस तरह से ओपनिंग है, तो हम क्या करेंगे इसमें एक बाईपास इस तरह से क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर देंगे। तो कहीं ना कहीं जो भी ब्लड होगा वो कहीं ना कहीं इसमें ही मूव करेगा, मतलब राइट वेंट्रिकल का ब्लड कहाँ पर आएगा, राइट वेंट्रिकल में ईजिली मूव। वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट के बारे में डिस्कशन किया, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। इस टॉपिक से रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू।